नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल एम मंटुन जी के देख रहे हैं। सभी मित्रों को, दिव्यांग बंधुओं को, जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं, जो बिहार शिक्षक बहाली आई है उसमें दिव्यांगजनों की भारी संख्या में सीटें हैं, वो सभी परेशान हो रहे थे कि सर PMCA से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, IGM से या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटलों से। तो उसका सॉल्यूशन हो चुका है, फिर भी आप सभी का कहना है कि सर बताइए कि कुछ मेरे प्रश्न है उसका आंसर दीजिए। तो मेरे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में जो भी मेरे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सभी का सवाल आए थे, उन सभी का सवाल का उत्तर जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपका भी सवाल मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, और मैं 15 तारीख से, जैसे आपको सबको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली 2023 लगभग 1,70,000 बहाली है, उसका आवेदन होना शुरू हो चुका है। आप सभी दिव्यांगजनों से आग्रह है कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से रीड करें, पढ़े समझे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, फॉर्म को भर दें और अपने तैयारी में जुट जाए। सबसे पहला सवाल है कि सर SC ST PH वाले को 75 पर होगा? देखिए, ये इनका तो नाम नहीं पता है, लेकिन सवाल भेजे हैं कि सर SC ST PH वाले को 75 पर होगा, यानी SC ST कैटेगरी में कोई दिव्यांग आता होगा तो उनका 75 में सीटेट में नंबर है, तो उनका फॉर्म भराएगा या नहीं भराएगा। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, वो आप AC हो या ST हो या AWO हो, चाहे OBC हो, चाहे EBC हो, चाहे जो है सो आप क्या बोलते हैं उनको, जनरल हो, अगर आप दिव्यांग हैं और PH का कैंडिडेट हैं, 75 नंबर सीटेट में है, तो आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल है कि PMCH पटना से सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, क्या करें? तो आपको बता दूं कि देखिए, जो भी कॉलेजें हैं, महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, उन सभी कॉलेज महाविद्यालय हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और आपको अब बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास जो पहले से CMO द्वारा निर्गत हुई है उसी पर आवेदन कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि CMO का डालेंगे तो बाद में PMCA से बनवाना होगा? देखिए, ये अपने आप में बहुत मतलब बेकार का सवाल है कि जब CMO आपका UDID कार्ड वेरीफाई कर दिया, UDID कार्ड आपके पास बन गया है, डिजिटल वाला सर्टिफिकेट आपके पास बन गया है, तो आपको फिर दोबारा सर्टिफिकेट कहीं बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट मात्र पूरे परमानेंट सर्टिफिकेट केवल पूरे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार बनता है। अगर एक बार परमानेंट सर्टिफिकेट बन गया तो उसको फिर दोबारा कहीं बनवाने की आवश्यकता नहीं है, और फिर दोबारा कहीं नहीं बनेगा। तो फिर आप बोलिएगा कि सर जो लेटर जारी हुआ है उसमें जब बोला गया है कि हम जो है सो चेकअप कराएंगे और सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, बनवाना होगा आपको बाद में, तो ऐसा देखिए, उसका मतलब यह है कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाइएगा, तो जो सर्टिफिकेट आप डाले होंगे ना, उसी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना होगा आपको किसी महाविद्यालय हॉस्पिटल से या पटना से, PMCA से या IGM से, अन्यथा दूसरा सर्टिफिकेट आपको बनवाना, उसी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना होगा। यह सर्टिफिकेट आपका है या नहीं है, आप जो भी परसेंटेज है आपका, वह प्रतिशत आप इसमें जो है सो सही है या नहीं है। बहुत ऐसे दिव्यांग हैं जो फर्जी दिव्यांग होते हैं, उनका 20% है, पैसा देकर 40% करवा लिए हैं, तो क्या उन्हीं के लिए ये सब नियम लागू हुआ है? अगर आपके पास आप ओरिजिनल में 40% दिव्यांगता है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है सो पढ़ाई कीजिए और आपका जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। पाँच नंबर में सवाल है कि ब्लैक जो है सो ब्लॉक लेवल से मेरा सर्टिफिकेट बना है, आवेदन करूं या नहीं करूं? देखिए दोस्तों, ब्लॉक लेवल पर आवेदन बना हो या CMO ऑफिस से बना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप UDID कार्ड है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर UDID कार्ड नहीं है तो सबसे पहले UDID कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, UDID कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। 2 से 3 दिन में UDID कार्ड बन जाता है, आवेदन कर दीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा, बन जाएगा। 6 नंबर सवाल है कि PH की सीट पर अदर लोगों का होगा या नहीं होगा? दोस्तों, ऐसा नियम है कि जिस PH का सीट अगर खाली रह जाता है, विकलांग लोगों का सीट खाली रह जाता है, तो अदर लोगों से सीट भरना नहीं है, वह सीट बैकलॉग रह जाएगा और अगली वैकेंसी में उसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है 7 नंबर सवाल है कि MD की सीट पर OH का होगा या नहीं होगा, यानी मल्टी डिसेबल के सीट पर ऑर्थोपेडिक का कैंडिडेट का चयन होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं
कि अगर एमडी कैटेगरी के दिव्यांग नहीं हैं तो उनके जगह पर ओएच वीआई डीडी जो भी कैंडिडेट उस समय होंगे कट ऑफ पार कर रहे होंगे उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है। ठीक, अगर नहीं दिया जाता है तो वो बैकलॉग वैकेंसी रह जाएगा, आपको टेंशन, उसमें किसी और को नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, अगला सवाल है इसी में, पीएच को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए, पीएच को हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर 60 मिनट का एग्ज़ाम है एक घंटे का, तो आपको एक घंटा 20 मिनट मिलेगा। दो घंटे का एग्ज़ाम है तो आपको दो घंटा 40 मिनट मिलेगा। तीन घंटे का एग्ज़ाम है तो आपको तीन घंटा 60 मिनट मिलेगा, यानी चार घंटा मिलेगा। हर घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और यह एक्स्ट्रा टाइम किन विद्यार्थियों को मिलता है, तो उस दिव्यांग को मिलता है जो देख नहीं पाते हैं और जिनका हाथ से कोई दिक्कत होगा उनको मिलता है, जो स्क्राइब लिए हुए रहते हैं उनको भी मिलता है। हाँ, स्क्राइब के लिए भी एक सवाल आया है कि स्क्राइब लेने के लिए क्या करना होगा। देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए आपको स्क्राइब के लिए आवेदन पहले से ही कर देना होगा। वहाँ पर लिखा होता है स्क्राइब, स्क्राइब करके फॉर्म आवेदन कीजिएगा, उसी समय आप दे दीजिएगा कि हाँ मुझे स्क्राइब की ज़रूरत है, और स्क्राइब आप ले जाइएगा और आप एग्ज़ाम दीजिएगा। लेकिन दिक्कत उस समय आएगा जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे और उस समय स्क्राइब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा, सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि यहाँ पर स्क्राइब लाइक थे या नहीं थे। नहीं थे तो क्यों लिए, इसलिए आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आप स्क्राइब के लिए ज़रूरी होंगे तो ही लीजिएगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा। आगे सवाल है 9 नंबर कि जनरल का कट ऑफ क्लियर किया पर अपने ही आरक्षण कोटि में मेरा रिजल्ट आया, ऐसा क्यों। देखिए, अभी तक बिहार में ऐसा नियम नहीं है कि आप पीएच हैं और जनरल का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको जनरल से रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आपको अपने आरक्षण रोस्टर से ही रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक, आप या जनरल हो या ओबीसी हो या ईबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, तो अगर आप जनरल का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको अपने आरक्षण में रिजल्ट आएगा, न कि जनरल में आएगा, क्योंकि यह आरक्षण जो है सो होरिटेंजर आरक्षण है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया हूँ। और कुछ भी पूछना हो आपको, फिर भी कोई सवाल आपके मन में हो, आपको लगता हो कि मेरा सवाल छूट गया है, मैं नहीं उसको बोल पाया हूँ या नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या हमारा नंबर आपके पास होगा तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक बात और बता दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, और लाइक के बटन के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन आएगा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि 50 रुपया 60 रुपया लगता है पैसा उसमें ज्वाइन करने में, वह दीजिएगा तो वह पैसा आप ही लोग के भलाई के लिए उपयोग होगा, न कि मेरे काम के लिए होगा। जो भी दिव्यांग साथी है, किन्हीं का मदद की ज़रूरत है, किसी को कुछ की ज़रूरत हो, तो वो पैसा उन लोग में जाता है, न कि मैं उसका उपयोग करता हूँ। तो आप ज्वाइन कीजिएगा और उससे मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको बनाऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा। आपका लाइक सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।